खेल मंत्री जीतू पटवारी ने बुधवार को उनकी राऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 54 लाख की लागत से बनने वाली नर्मदा परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री पटवारी ने कांग्रेस सरकार के विजन में इस विकास कार्य का होना बताया है। इंदौर के एवी रोड स्थित बसंतपुरी कॉलोनी में नर्मदा पाइपलाइन का उद्घाटन करने के दौरान मंत्री पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार के विजन में प्रदेश में कई विकास कार्य है, जिसमें करीब 200 परिवारों को नर्मदा लाइन से पानी मिलेगा, जिसके लिए 54 लाख की लागत से करीब 20 दिन में यह कार्य पूरा किया जाएगा। उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जैसे परियोजना का शिलान्यास करने अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया, जहां महिलाओं ने कुमकुम से तिलक कर मंत्री पटवारी का अभिनंदन किया और आभार माना। ये हमारे बसंतपुरी गोल्डन पैलेस 103 बहुत बड़ा एरिया है, करीब पानी की समस्या थी, नर्मदा का पानी घर घर पहुँचे हमारे विजन का हिस्सा है। मेरी विधानसभा में विकास की जो एक मैं मानता हूँ कि एक लहर चल रही है और उसका लाभ पूरी हमारे परिवार के लोगों को मिल रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और खासकर मैं इनका बेटा होने के नाते मेरा दायित्व है, हम लगातार प्रयास नर्मदा का घर घर ले जाने का कर रहे हैं। सर, अब हम श्रीलंका दौरा करने भी जा रहे हैं।